हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है एक गरीब और चालाक मोची। यह कहानी एक छोटे से मोची की है जो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे गांव में कोई काम नहीं मिलता था। उसके पास अब इतना भी पैसा नहीं था कि वह कोई अनाज खरीद सके। एक दिन उसने फैसला किया और अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे यहाँ और ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे अपनी किस्मत बड़े शहर में आजमानी चाहिए, शायद वहाँ पर मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल सके। मोची शहर में पहुँचा और वहाँ और हर गली में आवाज़ लगा रहा था, नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो। पहले दिन तो मोची को कोई काम नहीं मिला, फिर अगले दिन वह वहाँ शहर की बड़ी सड़कों पर पुकारते हुए घूमा, नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो। तभी एक औरत ने उसे बुलाया और कहा, अरे मोची, जरा इन जूतों की मरम्मत कर दीजिए। जी हाँ, क्यों नहीं। मोची घर के दरवाजे पे बैठा और उसने वह जूते सिल दिए। लीजिए, यह जूते तैयार हैं। कितना हुआ? एक तांबे का सिक्का। यह लीजिए। उसने पैसे लिए और वहाँ से चल दिया। जैसे ही वह अगली गली में पहुँचा, एक और औरत ने उसे पुकारा और जूते सिलने के लिए उसे दिए, यह कुछ जोड़ी जूते हैं, इनकी मरम्मत कर दो। मोची ने जूतों की मरम्मत की, पैसे लिए और वहाँ से चला गया और सोचने लगा, आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिया, अगर मैं इसी तरह से काम करती रहा तो जल्दी एक गधा खरीद लूँगा। उसने बहुत मेहनत से काम किया और कुछ दिनों के बाद उसने 4 सोने के सिक्के कमा लिए थे। उसमें से 2 सिक्के से उसने गधा खरीदा और घर अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने अगले दिन उसने सारा सामान बांधा और घर के लिए निकल पड़ा। अपने घर जाने के रास्ते में उसे जंगल से गुजरना पड़ा, जहां उसने चोरों की एक टोली देखी। चोरों को देखते ही वह सोचने लगा, हे भगवान, मुझे बचा लो, यह चोर मेरा सारा पैसा ले जाएंगे, एक बार फिर मैं गरीब बन जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। मोची बहुत चतुर था, उसने हिम्मत नहीं हारी और एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का गधे के गले में बांध दिया और आगे चल दिया। चोरों ने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, अपना सारा पैसा निकालो, चलो जल्दी करो। देखिए, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास इस गधे के अलावा और कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे जाने दीजिए। जैसे ही उसने यह कहा, गधा जोर से चिल्लाया और उसके गले से सोने का सिक्का नीचे गिर पड़ा। सचमुच तुम गरीब हो? फिर तुम्हें सोने का सिक्का कहाँ से मिला? हमसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वह चोर उसे पीटने लगे। रुकिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ, यह गधा सोना उत्पन्न करता है और इसी तरह से मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ठीक है, तुम हमें यह गधा दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बहुत गरीब हो जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, इसके लिए हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, तुम इस गधे का ध्यान रखना, बारी बारी से ही इसे घुमाना, नहीं तो आप आपस में ही लड़ते रह जाओगे। पैसों के लिए मोची ने गधा बेच दिया और अपने घर चला गया। वो बहुत खुश था कि उसे सोने के सिक्के मिल गए थे। उस सिक्के से उसने मुर्गी फार्म खरीदा। इसी बीच वह चारों चोर भी गधे को लेकर अपने अड्डे पे पहुंच गए थे और उन चोरों के सरदार ने कहा, इस चोर गिरोह का सरगना होने के नाते इस गधे को सबसे पहले मैं रखूंगा। चोरों ने अपने सरदार की आज्ञा मानी और उस रात चोरों का सरदार गधे के साथ अस्तबल में सोया और वह गधे से उत्पन्न सारा पैसा ले लेना चाहता था। और अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने सारा अस्तबल छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला।
वह समझ चुका था कि उस मोची ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। इसी बीच उसका साथी चोर वहां आया और उसने कहा, सरदार आपको सोने के सिक्के मिले, हमें भी बताइए गधे ने कितने सोने के सिक्के उत्पन्न किए। तुम खुद ही पता लगा लोगे जब आज रात तुम खुद इस गधे को अपने पास रखोगे। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह इस बात का यकीन कर लेना चाहता था कि उसने कोई गलती नहीं की। एक एक करके सभी चोरों ने गधे को अपने साथ रखा पर उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला और सभी समझ गए थे कि उन्हें उस मोची ने बेवकूफ बनाया है। सरदार ने एक सभा बुलाई, उस मोची ने हम सबको बेवकूफ बनाया, अब हम उसको सबक सिखाएंगे। उसने हमें साधारण गधा 50 सोने के सिक्कों में बेच दिया, हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे और इसकी सजा दे भी देंगे, चलो चलते हैं। और वह सभी मोची के घर की तरफ चल पड़े। उस वक्त मोची अपने फार्म पर काम कर रहा था। उसने चोरों को आते देख तुरंत अपने घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब वह चोर यहाँ आएंगे और मेरे बारे में पूछेंगे तो उन्हें बोलना कि मैं खेत में काम कर रहा हूँ, फिर हमारे कुत्ते माइलो को भेजना मुझे बुलाने के लिए। यह कहकर वह अपने घर के पीछे छुप गया और कुछ ही देर बाद वह चोर उसके घर पहुँच गए। वह मोची कहाँ है, बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं, वह खेत पर गए हैं, मैं कुत्ते को भेजना चाहूँगी उन्हें बुलाने के लिए। माइलो जाओ अपने मालिक को बुलाकर लाओ, उनसे कुछ लोग मिलने आए हैं। यह सब क्या है, तो क्या तुम्हारा कुत्ता सचमुच तुम्हारे पति को यहाँ ले आएगा? जरूर, वह हर बात समझता है। जब वह खेत पर होते हैं और मुझे उनसे बात करनी होती है, मैं माइलो को उनके पास भेज देती हूँ और माइलो मेरा संदेश उन्हें दे देता है। इतने में ही मोची वहाँ आ पहुँचा। ओह तो यह आप हैं, माइलो ने मुझे बताया कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, हमें गधे से कुछ नहीं मिला, तुमने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला। देखिए मुझे मालूम है कि आपको कुछ गलत फैमिली हुई है, आज जो कुछ भी मेरे पास है वह सब उस गधे की वजह से ही है। ठीक है, हम तुम पर विश्वास करते हैं, पर तुम्हें हमें यह कुत्ता भी बेचना होगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता, हम इसके लिए तुम्हें 40 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा इनकार करने के बाद मोची सहमत हो गया कुत्ता बेचने के लिए। चोरों ने कुत्ते को लिया और अपनी गुफा की तरफ चले गए। गुफा में पहुंचने पर सरदार ने ऐलान किया कि सबसे पहले वह अपने पास कुत्ते को रखेगा। सरदार ने अपनी बेटी केमिला को बुलाया, सुनो कैमिला, मैं काम पे जा रहा हूँ, यदि कोई मुझे पूछने के लिए आए तो माइलो को मुझे बुलाने के लिए भेज देना, जैसा आप कहें पिताजी। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आया और उसने सरदार की बेटी से कहा कि वह अपने पिता को बुलाए। थोड़ा रुकिए, मैं तुरंत उन्हें बुलाती हूँ, माइलो जाओ पिताजी से कहो कि कोई आया है यहाँ उनसे मिलने। माइलो घर से भागा बजाय सरदार के पास जाने के वह मोची के पास चला गया। जब चोर वापस घर आया तो उसने देखा कि माइलो वहाँ नहीं था। वह समझ गया कि माइलो जरूर अपने मालिक के पास गया होगा, तो वह मोची के घर गया और मोची से बोला, सुनो क्या माइलो तुम्हारे यहाँ आया है? हाँ वह यहाँ है, मेरे ख्याल से उसे जरूर मेरी याद आ रही होगी, उसको थोड़ा समय दीजिए, अंत में वह आपको अपना मालिक स्वीकार कर लेगा। सरदार माइलो को अपने साथ ले गया और अगले दिन उसने उसे अपने साथी को दे दिया। माइलो गैंग के सारे सदस्यों के साथ एक एक करके रहा, पर हर दिन वह मोची के पास वापस लौट आता। सभी समझ गए थे कि एक बार फिर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। सभी ने सोचा कि इस बार हम बेवकूफ नहीं बनेंगे और इस बार उस मोची को सबक सिखाएंगे। इस बार वह सभी मोची के घर पहुंचे और उन्होंने मोची की बात
पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जो वह उनसे कह रहा था। उन्होंने मोची को एक बोरे में डाला और वहां से चले गए। उसे सबक सिखाने के लिए मोची चुपचाप बोरे में लेटा रहा। रास्ते में वह एक चर्च के पास से गुजरी। चारों में से एक चोर ने कहा, सरदार सच में बहुत गर्मी है, चलो चर्च में कुछ देर आराम करें, हम काम के लिए अवश्य शाम तक इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने जिस बोरे में मोची को रखा था उस बोरे को उन्होंने वही रख दिया और सबके सब चर्च में चले गए। वह चर्च एक पहाड़ी पर था। वहां से एक आदमी अपने सूरों का झुंड लेकर वहां से गुजर रहा था। जब मोची ने सूरों के झुंड की आवाज सुनी तो मोची को एक उपाय सूझा और उसने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सूरों के मालिक ने मोची की आवाज सुनी और वह उसके पास आया और उसने मोची से पूछा, अरे रुको रुको, तुम क्या नहीं करोगे और किसने तुम्हें उस बोरे में डाला? वह मेरी शादी राजा की बेटी से करवाना चाहते हैं पर मैं नहीं करना चाहता। क्यों भाई, क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं राजकुमारी से शादी करता ही। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ, जाओ और राजकुमारी से शादी कर लो। सचमुच बेशक, पर सबसे पहले मुझे बाहर तो निकालो। सूरों के मालिक ने मोची को बोरे से बाहर निकाला और खुद बोरे में कैद हो गया। मोची ने उसको बांध दिया और उसके सूरों को लेकर वहां से चला गया। शाम को चोर चर्च से बाहर आए, उस बोरे को उठाया और वहां से चले गए। सुनो, चलो इसे यहाँ कीचड़ में फेंक देते हैं, या कीचड़ ही इसे सबक सिखाएगा। चोरों ने उसे कीचड़ में फेंक दिया और वहां से चले गए। वापस आते समय उन्होंने मोची को सड़क पर देखा और वह हैरान रह गए, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? उस कीचड़ के नीचे एक जादुई स्थान था, वहां बहुत सारा सोना था और बहुत सारे सुअर भी थे। वह सुअर उस सोने की रखवाली किया करते थे, मैं उनकी मदद से बाहर आया हूँ और अपने साथ कुछ सोना भी लेकर आया हूँ, बस वहाँ सोने के लिए वापस जा रहा हूँ। रुको, हमें भी उस जादुई स्थान पे ले चलो और सावधान, वहाँ तुम सोने को हाथ भी मत लगाना। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो चलो। चोरों की टोली मोची के साथ उस जगह पर पहुँची। अगर तुम्हें सोना चाहिए तो तुम्हें खुद को बोरे में बंद करना होगा। सभी चोरों ने खुद को बोरे में कैद कर लिया। मोची ने उन सभी को कीचड़ में फेंक दिया और उन पर सुअर छोड़ दिए। चोर चिल्लाते रहे और सुअर उन्हें चाटते रहे। यह देखकर मोची हंसा और अपने घर चला गया। उसके बाद वह सुख और शांति के साथ अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि और चतुराई से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।